अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिदो मोहतरम हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुत्तकी परहेजगारी से वाबस्ता एक वाक्या बताएंगे कि कैसे आपने एक सेब के बदले 10 साल तक एक बाग की रखवाली करके उस सेब की कीमत को अदा किया और एक अंधी गुंगी और लंगड़ी लड़की से शादी भी करने को तैयार हो गए। तो वाक्या कुछ यूं है। जवानी के आलम में आपका निकाह सैयद फातिमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुआ। निकाह की रिवायत कुछ यूं बयान की जाती है कि अनकवाने शबाब में सैयद अबू सालेह अक्सर रियाजात व इबादात में मशगूल रहते थे। एक दफे दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे। खाना खाए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। नागहानी एक सेब दरिया में बहता हुआ दिखाई दिया। बिस्मिल्लाह कहकर इसे पकड़ लिया। सेब खाने के बाद दिल ने आवाज दी, ए अबू सालेह, मालूम नहीं इस सेब का मालिक कौन है। तो ने बगैर इजाजत उसे खाकर अमानत में खयानत की है। यह ख्याल आते ही कपड़े झाड़ कर उठ खड़े हुए और दरिया के किनारे किनारे पानी के बहाव के मुकालिफ सिमत सेब के मालिक की तलाश में चल दिए। कई दिन के सफर के बाद आपको लब दरिया एक वसी बाग नजर आया। उसमें सेब का एक तनावर दरख्त था जिसकी शाखों में पके हुए सेब पानी में गिर रहे थे। सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दिल ने शहादत दी कि ये सेब जो मैंने खाया है वो इसी दरख्त का है। लोगों से उस बाग के मालिक का पता दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि उसके मालिक हजरत सैयद अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह रईस जीलान है। फौरन उनके खिदमत में हाजिर हुए, सारा माजरा बयान किया और बस्ते अदब बिला इजाजत सेब खा लेने के लिए माफी के लिए ख्वास्तगार हुए। सैयद अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह खासाने खुदा में से थे। समझ गए कि ये नौजवान भी अल्लाह का खास बंदा है। दिल में तड़प उठी कि उसे अपने साए आतिफन में कुर्ब इलाही के मदारिस तय कराऊं। फरमाया, 10 साल तक उस बाग की रखवाली करो और मुजाहिदात नफ्स करो, फिर सेब माफ करने के मुतालिक सोचूंगा। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रजा इलाही के खातिर फौरन ये शर्त मंजूर कर ली और 10 साल बाद सैयद अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में अफ़ुए खता के लिए हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, अभी नहीं, अभी और 2 साल मेरी खिदमत में रहो, फिर तुम्हारे मुतालिक सोचेंगे। सैयद अबू सालेह ने ये 2 बरस भी नहायत खुशी से गुजार दिए कि शेख अब्दुल्लाह की सूरत में उन्हें एक रहबर कामिल मैसर आ गया था। 12 साल की तवील मुद्दत खत्म हुई तो हजरत अबू सालेह सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन्हें बुलाकर फरमाया, क्या फर्जंद, तू आजमाइश की कसौटी पर पूरा उतरा है, लेकिन अभी एक और खिदमत बाकी है। वो ये कि मेरी एक लड़की है जो पाँव से लंगड़ी, हाथों से लुंजी और कानों से बहरी और आँखों से अंधी है। उस बेचारी को अपने निकाह में कबूल कर लो तो मैं तुम्हें सेब बख्श दूंगा। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये बात भी बशरो चश्म मंजूर कर ली और इस तरह सैयद फातिमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिन्त सैयद अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उनका निकाह हो गया। शादी के बाद जब सैयद फातिमा का सामना हुआ तो ये देख कर हैरान हो गए कि उनके तमाम अज़े सही व सालिम है और अल्लाह ने उन्हें कमाल दर्जे का हुस्न अता किया है। दिल में वसवसा पैदा हुआ कि शायद कोई और लड़की है। उसी वक्त बाहर निकल गए। सुबह शेख अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में बहाल परेशानी हाजिर हुए। वह अपनी फसारत बातिनी से सब कुछ जान गए थे। फरमाया, ऐ बेटे, जो सिफत मैंने अपनी बच्ची की तुमसे बयान की थी वो सब सही है। आज तक उसने किसी नामहरम पर नजर नहीं डाली, इसीलिए अंधी है। आज तक उसने खिलाफ हक कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए वो बहरी है। आज तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला, इसीलिए वो लंगड़ी है। और आज तक खिलाफ शरा उसने कोई काम नहीं किया, इसीलिए लुंजी है। शेख अबू सालेह भी समझ गए और उनके दिल में भी अपने बीवी के लिए कमाल दर्जे की मोहब्बत व इज्जत पैदा हो गई। इस तरह बखैर खूबी उन दोनों पाकबाज हस्तियों की रफकाते हयात का आगाज हुआ। बेशक इन्हीं पाक दामन जात से एक अल्लाह के वली जिन वलियों का सरदार हुजूर गौस पाक हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हुई है।